मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। केंद्र सरकार जल्द ही देश भर में CAA कानून लागू करने वाली है। इस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक जितेंद्र भाड़ से जब सवाल पूछा गया तो जितेंद्र भाड़ ने कहा कि CAA और NRC को लेकर भारत का जनमत क्या है ये केंद्र सरकार बाखूबी जानती है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इतनी जल्दबाजी नहीं करेगी। CAA और NRC को इतना आसानी से लागू नहीं किया जा सकता है, इसके लिए संविधान में बदल करना पड़ेगा। संविधान में बदल करना इतना आसान काम नहीं होता है। अगर केंद्र को CAA और NRC लागू ही करना है तो पहले संविधान में इसका समावेश करना होगा और पहले संविधान में समावेश तो करने दो। अगर केंद्र में बदलाव आएगा तो पूरे राज्य में बदलाव आएगा। जितेंद्र वार्ड ने क्या कुछ कहा है आपको सुना दें। जो है CAA NRC 7 दिन के भीतर जो है लागू कर CAA NRC के ऊपर भारत में जनमत क्या है ये केंद्र सरकार को पता है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इतनी जल्दबाजी नहीं करेगी। महाराष्ट्र सरकार कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड महाराष्ट्र सरकार कैसे ला सकती है इस अधिवेशन में पारित तो होने दो केंद्र द्वारे तुम जल्द क्यों करते हैं महाराष्ट्र का नाम लेके केंद्र में आने को दो ना वो संविधान में बदलाव है और संविधान का बदलाव इतना आसानी से नहीं होता है भाई साहब। फिर इस देश का कानून जो है उसमें समावेश तो करने दो फिर महाराष्ट्र अगर केंद्र में बदलाव आएगा तो पूरे राज्य में सभी राज्यों में बदलाव आएगा। सर छगन भुजबल को जो है मंत्रिमंडल से निकाल दिया ऐसी बात जो शिंदे गुट के विधायक लगातार कर रहे शिंदे गुट क्या कहता है और छगन भुजबल क्या कहते हैं मुझे क्या लेना देना दोनों नूरा कुश्ती खेल रहे थे अब अंग पे आ गई है। तुम एक मराठा उनको फंसा रहा था और एक ओबीसी को फंसा रहा था आखिर में ये होना ही था। कितने दम तुम झूठ बात करोगे